हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू की मंत्रा। मैं हूं अनुष प्रधान, आपको होस्ट एंड दोस्त। यार आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल इशू के बारे में। मोस्टली सबके फ़ोन में आती है, और ये क्या इशू है देख ले, फोन सॉरी सबके कंप्यूटर में आती है। आप कोई भी न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और रन करते हैं तो कई बार ये शो करती है 0xc0007b। ये क्या है प्रॉब्लम, क्यों आती है, क्या आती है, और आप इससे कैसे निकल सकते हैं? बहुत ईजी स्टेप है, तो देख लेते हैं पहले तो इसको बंद कर। ये मोस्टली कई गेम्स में आती है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पूरी एक कॉपी की होगी। ये रही, ये लिंक है, आप इसको कॉपी करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पेस्ट करिए। इससे आपको एक फ़ाइल मिलेगी, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फाइल डाउनलोड करने के बाद आप, मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो अभी डाउनलोड्स में जाएंगे। ये रही, इसको आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। सिस्टम के हिसाब सबके अलग, सर्विस पैक पे क्लिक करिए, इसको रन करिएगा। ये सबके सिस्टम के हिसाब से थोड़ा अलग टाइम लेता है, कई जगह 5 मिनट 10 मिनट। परफॉर्मेंस को देख लीजिएगा, थोड़ा टाइम ले रहा है, हो जाओ। थोड़ी हैवी सॉफ्टवेयर बिकॉज अभी सारी फाइल अपनी एक्सट्रैक्ट कर रही हैं, इतनी कम MB की फाइल नहीं है। अप्रॉक्स से आपकी 358 MB की फाइल और एक्सट्रैक्ट करके आप 1 GB के लमसम पहुंच जाती है। ए आई ओ इंस्टॉलर हो जा जी, जब तक के लिए हो रहा है मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हो चुका है ये, बस आपको इस पर इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल कर रहा है, थोड़ा टाइम ले सकता है, तो बस चल करिए, देखते रहिए। एंड एंड अभी जावा रनिंग इस अदर वर्जन प्रोडक्ट, ओके ओके, कई सारे मेरे प्रोडक्ट ऑलरेडी इंस्टॉल थे। बस 2 मिनट लेगा, हो जाएगा। इसकी स्पीड सिस्टम डिफर कर सकती है, मैं सिस्टम में आता जाता इसके सॉफ्टवेयर पहले से प्री इंस्टॉल्ड थे और टाइम नहीं ले रही। एंड एडोब फ्लैश प्लेयर प्लगइन्स, दो सेकेंड, आखिरी सॉफ्टवेयर बाकी है। ये सब नेसेसरी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी वजह से ये सब एरर आते हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, जब तक इसको भी हो तब तक इसको भी हम लोग फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, हो गया। बस ये कंप्लीट, रिफ्रेश करिए। पहले मैं इसका आपको आपके लिए डॉक्यूमेंट सेव कर देता हूँ कि मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। एक बार रन करके देख लीजिए, और अभी भी प्रॉब्लम आता है तो बस एक बार स्टार्ट करिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर बाई चांस इससे नहीं भी होती तो मैं एक और बहुत जल्दी सेकेंड वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ, उससे आपको इधर डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी कि कई सिस्टम में कई चीज़ वर्क नहीं करती है। तो उसके लिए अभी रिस्टार्ट करके देख लेते हैं क्या होता है, क्यों अभी देख रहे हैं। रिसेंटली भी मैं सारी वर्क ही कर रही हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रही है, तो होपफुली आपकी चल जाएगी। नहीं चलेगी तो मैं आपको दूसरा वीडियो भी बहुत जल्दी बना के दे दूँगा। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, साइन अप, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। बी ट्यून, टेक केयर, और हम वेबसाइट जरूर विजिट करिएगा www.techemira.com। बाय बाय। हाँ, जाने से पहले हमारी सिस्टम हो चुकी रिस्टार्ट, और अब देख लेते हैं कैसा वर्क करता है, वर्क करता भी है कि नहीं जो अभी हम लोगों ने ट्रिक यूज़ किया था। हाँ, इफेक्ट वर्क कर गया, खुश हो जा बोगैम्बो, वर्क कर गया। तो इजी था ना, तो आप लोग भी ट्राई करिए, और अगर नहीं होता है तो फिर कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। और मैंने इसका दूसरा अल्टरनेटिव वीडियो भी अपलोड कर दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बाय बाय।